चादर उतरे नंगे पैरे आशीर्वाद दो भाई इसी रिया से विशेषपाल महाजन द्वारा आज शिवखोड़ी में जाकर शिव बाबा के दर्शन किए गए हैं और इसके साथ में शिव खोड़ी में श्रद्धालु जितने भी आ रहे हैं उनसे बातचीत की गई है कि श्राइन बोर्ड की तरफ से क्या क्या सुविधाएं जो आपको मिल रही हैं, क्या प्रॉपर तरीके से सुविधाएं मिल रही हैं उनसे बातचीत की गई है। और इसके अलावा महाशिवरात्रि 8 तारीख को है, इसको लेकर आज डीसी रियासी खुद शिव गुफा शिवखोड़ी में गए थे और भोले बाबा के दर्शन किए गए हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये रनसू के शिवखोड़ी धाम किए हैं। यहाँ पर शिवरात्रि के अवसर पर पहले ही श्रद्धालु लगातार शिवखोड़ी भोले बाबा के दर्शन करने पहुंच रहे हैं। ये तस्वीरें कुछ देख रहे हैं, भोले बाबा के दर्शन करने आ रहे हैं श्रद्धालु, क्या उनको प्रॉपर तरीके से सुविधाएं मिल पा रही हैं उसको लेकर जो है डीसी रियासी ने खुद श्रद्धालुओं से बातचीत की है। उनसे बातचीत के दौरान क्या कहा गया है सुनिए इस खबर में। और भगवान के अद्भुत दर्शन पाके जा आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग हैं तो ये शिवखोड़ी धाम चल रहा है। मैं भगवान शंकर से प्रार्थना करता हूँ कि आपकी जो मनोकामनाएं हैं उसके बारे में चर्चा 4 दिन पहले शिवरात्रि की हुई है और मुझे उम्मीद है कि महादेव अपनी कृपा प्रसाद रहेंगे। एक बार ही सारे मिलकर बोलेंगे हर हर बाबा कहने मैया भी बैठी दी है। कदू दे आ रहे थे कुत्थे रहे हो चंगड़ तू पैदल गए थे तो पैदल उतरे नंगे पैरे आशीर्वाद दो भाई सारे तेरे ही मुंडे ने थे जिन्हें हैं तेरे ही मुंडे सारे तेरे। और भगवान के अद्भुत दर्शन पाके जा आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग हैं तो ये शिवखोड़ी धाम चल रहा है। मैं भगवान शंकर से प्रार्थना करता हूँ कि आपकी जो मनोकामनाएं हैं उसके बारे में चर्चा 4 दिन पहले शिवरात्रि की हुई है और मुझे उम्मीद है कि महादेव अपनी कृपा प्रसाद रहेंगे। एक बार ही सारे मिलकर बोलेंगे हर हर बाबा कहने मैया भी बैठी दी है। कदू दे आ रहे थे कुत्थे रहे हो चंगड़ तू पैदल गए थे तो पैदल उतरे नंगे पैरे आशीर्वाद दो भाई सारे तेरे ही मुंडे ने थे जिन्हें हैं तेरे ही मुंडे सारे तेरे सारे तेरे।